एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अगर आप लोग भी गरीबी रेखा में आते हैं, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। आपको बता दें भाई बहनों, हमारे देश में जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, उनके लिए मोदी सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत कर दी है। अब ई श्रम कार्ड क्या है और कैसे बनेगा, इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए आपको हम बता देते हैं। भाइयों बहनों, ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपके परिवार को सीधे 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद किस योजना के अंतर्गत मिलेगी वो हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपके पास खुद का घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको खुद का मकान मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 73,000 से लोगों को अपना खुद का मकान दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और अगर अभी तक आप लोगों को खुद का मकान नहीं मिला है, ई श्रम कार्ड अगर आप लोग बनवा लेते हैं, आपको खुद का मकान मिलेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत आपको मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हा मिलेगा। 2021 में अभी तक 2 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत मुफ्त में सिलेंडर मिल चुका है। और अगर आप लोग ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं, आप लोग अपना कोई खुद का व्यापार करना चाहते हैं, भाइयों बहनों, आपको केंद्र सरकार बिना ब्याज वाला लोन मुहैया कराएगी। आपको बता दें, ई श्रम कार्ड योजना भारत सरकार ने इसीलिए बनाई है ताकि देश के जितने भी विकलांग, मजदूर, बेरोजगार वर्ग के भाई बहन हैं, इन लोगों को आर्थिक मदद सीधे दी जा सके। हर सरकारी योजना इनको सीधे केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत दे सके। भाइयों बहनों, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आपको घर से बैठे बैठे आवेदन करना होगा। ई श्रम कार्ड बनवाने का टोल फ्री नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना है, इसकी सारी जानकारी अपने 2 से 3 मिनट की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इस वीडियो को छोड़ दीजिए। ये वीडियो ई श्रम कार्ड योजना का जो हमने बनाया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है। अगर आप लोग भाइयों बहनों ई श्रम कार्ड बनवा लेंगे, ई श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं, सारी जानकारी आपको इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी। ये कार्ड बनवाने के बाद आपके घर के बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी, आपको खुद का मकान भी मिलेगा, 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी और बिना ब्याज वाला लोन भी मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। अब आपको बता दें, ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, हमारे देश में कई जगह, कई राज्यों में लैपटॉप वितरण होने जा रहा है। लैपटॉप योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों को फ्री में लैपटॉप चाहिए, आप लोगों को गूगल पे जाना है, जैसा लिखा हुआ है देसी जानकारी पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको मुफ्त लैपटॉप योजना के अंतर्गत भारत के किन किन राज्यों में लैपटॉप वितरण होने आ रहा है और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं नवंबर के महीने में चालू होने आ रही है, सारी जानकारी आपको देसी जानकारी पर मिल जाएगी। यहां पर जाकर आप लोग सारी जानकारी देख सकते हैं। अब आपका हम समय नष्ट नहीं करेंगे भाई बहनों, ई श्रम कार्ड योजना वो योजना है जिसके अंतर्गत मोदी सरकार सीधे देश के जो गरीब, मजदूर, विकलांग, बेरोजगार वर्ग के भाई बहन हैं, इन लोगों को आर्थिक मदद देने जा रही है। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप लोग खुद का कोई व्यापार करना चाह रहे थे, आप लोगों को बिना ब्याज वाला भी लोन पास कर दिया जाएगा। अब ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारे देश का बहुत बड़ा पावन पर्व आ रहा है, धनतेरस और दिवाली। इसी पावन पर्व पर हमारी टीम 5 लोगों को चुनेगी और 5 एंड्रॉयड मोबाइल देगी। अगर आप लोग भी ये मोबाइल जीतना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना उत्तर दे दीजिए, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। वीडियो लाइक करना है, जो वीडियो लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा, उनमें से 5 लोगों को चुनाएगा और दिवाली वाले हफ्ते में आपका मोबाइल आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें भाई बहनों, ई श्रम कार्ड अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं, आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको गूगल पर जाना है, आपको लिखना है रजिस्टर्ड ई श्रम कार्ड। आप लोग जैसे ही गूगल पे इसको टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप लोगों को यहां पर अपना गांव, पता, एड्रेस भरना है, अपने मोबाइल नंबर से इसको अटैच कर लेना है। जिसके बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर से इसको अटैच कर लेंगे, आपका ई श्रम कार्ड 24 घंटे के बाद बन जाएगा। और जैसे ही आप लोग इसको बनवा लेते हैं, आप लोग अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लेंगे। इसलिए भाई बहनों, ई श्रम कार्ड बनवा लें अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं तो। और ऐसी ही हर सरकारी योजना पाने के लिए तुरंत समाचार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।